ये मोदी का मिशन 2019 आज से शुरू हो रहा है। आज वो पूर्वांचल में कई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन इसमें से सबसे बड़े प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में केंद्र की चार बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम पूर्वांचल को 1000 करोड़ की परियोजनाएं देंगे। इनमें 23000 करोड़ की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी बाढ़ सागर परियोजना और 600 करोड़ की अन्य योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के बूते बीजेपी की कोशिश 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सभी 32 सीटें जीतने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं, लोग उनको सुनने आते हैं, उनसे उनकी बातों को सुनने के लिए हमेशा लाखों की भीड़ होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव ने भी शिलान्यास किया था। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि दोबारा शिलान्यास और उद्घाटन करना योगी सरकार की परंपरा बन गई है। अखिलेश यादव के शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थरों को तोड़ना, दोबारा शिलान्यास करना, दोबारा उद्घाटन करना, इस सरकार की परंपरा बन गई है। काम नहीं करते, दूसरे के काम पर दिखा देती है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि एक्सप्रेसवे किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता का है। हम विकास में राजनीति नहीं करते, विकास को विकास की दृष्टि से लेकर प्रदेश की जनता को लाभ दिलाने की बात करते हैं। पूर्वांचल में मोदी मैजिक दोहराने की बीजेपी की क्या तैयारी है, आपको एक रिपोर्ट। पीएम मोदी पूर्वांचल के 2 दिनों के दौरे पर जा रही हैं। पीएम मोदी आजमगढ़ के अलावा वाराणसी और मिर्जापुर भी जाएंगे। पूर्वांचल दौरे में सबसे ज्यादा फोकस वाराणसी कार्यक्रम को लेकर है। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पिछले 4 साल में ये पीएम मोदी का 13वां काशी दौरा है। पीएम मोदी अपने पूर्वांचल दौरे में सबसे ज्यादा वक्त यहीं बिताने वाले हैं। पीएम शाम करीब 5 बजे वाराणसी के राजा तालाब कचनार में एक रैली करेंगे। इसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी भाभा कैंसर संस्थान का उद्घाटन करेंगे। ये कैंसर सेंटर करीब 100 बेड का है जो बनकर तैयार है। इसे मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान के सहयोग से बनाया गया है। पीएम बीएचयू में बन रहे अस्पताल का भी जायजा लेंगे। कल पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन यानी रविवार को पीएम मोदी मिर्जापुर में होंगे। मिर्जापुर में पीएम बाण सागर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस नहर प्रोजेक्ट पर पिछले 2 दशकों से काम चल रहा है। पीएम मिर्जापुर में रैली भी करेंगे। यहाँ से सांसद अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं। रैली में पीएम पटेल समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। इसी हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मिर्जापुर का दौरा किया था। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह 4 बजे ही दर्शन करने पहुंचे। सुबह 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और मंगल आरती की। भगवान जगन्नाथ की आज 141वीं रथ यात्रा निकल रही है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं एनएसजी की टीम भी अहमदाबाद में मौजूद है। इसके अलावा रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। इसराइल से लिए गए नए ड्रोन से 5 किलोमीटर तक के दायरे पर पैनी नजर रखी जा सकती है। रथ यात्रा पर एरोस्ट्रेट हीलियम बलून से भी नजर रखी जाएगी जो 50 मीटर ऊपर से 4 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। इस गुब्बारे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहीं ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। इस मौके पर हजारों लोग होंगे और रथ को खींचेंगे।